सत श्री अकाल, यू ऑल आर वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, लाइफ में कभी भी अगर हमको कुछ ऑप्शन मिलता है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कि आप इसमें से एक चूज कर लो, पिक अ साइड, एक ही चूज कर सकते हो, तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे करें कैसे करें, स्पेशली जब मेरी अपनी पर्सनल बात आती है। और यहाँ पे आप पोस्टर में देख रहे हो पिक अ साइड लिखा हुआ है। दो इतने हॉट लड़के हैं कि उनके बीच में एक चूज करना पड़ेगा तो फिर दंगे तो हो ही जाएंगे। ये दोनों हॉट लड़के तो हमारे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, ट्रिविया को सॉल्व करते हैं, बिकॉज एक बहुत प्यारी सी मोहतरमा भी है हमारे साथ में, जिनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनको ऑप्शन मिले तो इन दोनों में से किसको चूज करेंगी। दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन, ये आपने बहुत गलत सवाल पूछा है, बहुत गलत। हाँ, तो दोनों को भी कर सकते हो ना? I'll obviously pick up both. दोनों की साइड लोगे ना? दोनों। अच्छा, चलो पोस्टर शूट आज। एक दोस्त है और एक मतलब प्यारिश मोहब्बत, जो भी समझ लीजिए आप ट्रेलर को देखकर। अच्छा चलो, ट्रेलर तो मुझे काफी अच्छा लगा, और जब ट्रेलर देखा था तभी मैंने कह दिया था कि यार दिस मूवी इज गोइंग टू रॉक, क्योंकि इन दंगों का तो हम इंतजार कर ही रहे थे, असल वाले नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस से जब मुझको कॉल आया, यार दंगे के ट्रेलर, मैं सोकर उठी थी, मैंने दे सेड कि मैम दंगे का ट्रेलर लॉन्च है, दंगे रिलीज हो रहा है, तो आप मैंने कहा दंगे होगा, कहाँ दंगे होगा, लाइक दैट ओनली। बोले मैम वो कोई बात नहीं, आराम से, टी सीरीज में जाना है, ट्रेलर लॉन्च है, तो मैंने कहा ओके चलो फिर तो बोलिए, पीसफुल दंगे है। एब्सोल्युटली, ये मैंने स्पेशल कुछ पकड़ा है थोड़ी देर के बाद के लिए। सो वेलकम इहान, वेलकम निकिता, वेलकम हर्ष। थैंक यू। अच्छा वैसे अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, इहान आप तो आते ही एंग्री यंग मैन बन गए, मतलब ऐसा कैसे हो गया? How did you meet Bijoy for this? सर ने मुझे ऑडिशन के लिए बोला था, एंड मैंने एक ऑडिशन भेजा, तो सर का मैसेज आया मोर एंग्री। ओफो, तो मैंने जो पहला टेक किया था वो मोर एंग्री किया था, एंड दूसरा सोचा था ये ना हॉलीवुड टाइप सटल करूंगा। हाँ, so उसमें मैंने उसमें हॉलीवुड में सटल होता है। It's very, अच्छा, it's very different. हाँ, like, emotions are so different. आपको पता है बॉलीवुड की बात करें। हाँ, मुझे पता है। तो मैंने पहले दूसरा वाला टेक भेजा, सटल वाला। हाँ, तो सर का मैसेज आया थोड़ा मोर एंगर, बस एक लाइन आया मोर एंगर। तो मैंने पहला वाला भेजा, तो सर का कॉल आया 4 घंटे बाद, कैन यू कम टू टी सीरीज ऑफिस टुमारो। That's how it happened. Very nice. पहले स्टारफिश में भी आपने इतना अच्छा काम किया, टी सीरीज के साथ लगता है वो एक रिचुअल हो गया अब काम करना। नहीं, ये आप ऐसे ही बोलो, वो सुनते जाए और मुझे काम देते जाए। अजीब ही है, उन्हीं की धरती पे बैठे हैं हम, एक और मिलेगी, हैट्रिक हो जाएगा, फिर तीसरा है ना। ये इन हाउस है, यहाँ की इन हाउस। आई होप दंगे को फिल्म देखे और टी सीरीज को भी पसंद आए, और वो हमें और फिल्में टी सीरीज को पसंद आई इसलिए दे प्रोड्यूस से नो दैट दे लव द वी ब्रॉट द सेल्स। फिल्म का नहीं पता, टी सीरीज को इहान बड़े पसंद है, वो तो सबको पता है ना। हां, और मुझे हर्ष का हेयर स्टाइल इतना पसंद है, लेकिन आज बाल बांध के आ गया, दिल तोड़ दिया, बताओ मेरा। मुझे पता ही था आप आ रहे हैं, ऐसे कैसे, मैं ट्रेलर में सवाल नहीं पूछ रही कि वन ऑन वन में पूछूंगी। थैंक यू, ये सब बिजॉय सर ने डिसाइड किया। हां ओके, मतलब नथिंग वाज कि आप अपने से डिसाइड किया हो कि ऐसा भी नहीं था, कर ली हेयर एंड ऑल। एक्टर्स के लिए एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस सरप्राइज, क्योंकि हमें लगता है हमें अपने बारे में काफी कुछ पता है कि हम कैसे अच्छे दिखेंगे कैसे नहीं। बिजॉय सर हैज सरप्राइज मी फॉर द सेकंड टाइम, तैश में उन्होंने कॉर्नरोज दिए, मैं कहा सर मैं कैसा लगूंगा, कुछ ऐसे मेरे बहुत सारे सवाल थे, वेरी शॉर्ट मी, आई वाज लाइक इस फिल्म में उन्होंने इतने लंबे बाल और कर्ल वेवी, हाँ, और ये नाक में एक रिंग लेके आया हूँ, हाँ, प्लीज पहनो ना। तो मुझे लगा ये सब कैसे, तो दिस इज द मैजिक ऑफ अ डायरेक्टर विद अ विजन, एंड ही कैन, ये नमिता के लिए थैंक यू। मेरे पास भी आज ब्लैक वाली मिली नहीं, बस मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लाइज इन दिस, पियर्सिंग नहीं कराया, लेकिन हाँ क्लिप ऑन वाला। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेयर आई गिव सो मच क्रेडिट टू बिजॉय सर, बिकॉज वो आपको जैसे विजुलाइज करते हैं वो हमें भी नहीं पता होता कई बार। एब्सोल्युटली। वेल निकिता, मैं जब ट्रेलर लॉन्च पे, आई स्टिल रिमेंबर बिजॉय टोल्ड की वो जो एक शॉट है एक्शन वाला जिसमें आपके बाल खींचे जा रहे हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं, है ना, तो उनका एक्शन अवतार तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ वो क्या हुआ था पूरा। मैंने देखा 2-3 बार रिवाइंड करके, मैंने यार देखो, अरे सच्ची में आपने रिवाइंड करके देखा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, यार एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है जिसमें मेरा मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ है, नहीं एक्चुअली सेंड मी अ टेक्स्ट डैडी यू कैन ईट अ माउंटेन, इतना मुंह खुला हुआ है। बट आई टेल यू टू बी ऑनेस्ट, हमने जिस तरह से शूट किया है ना, चोटें हम सबको लगी है, अच्छी खासी लगी है,
वो जो आप देख रहे हैं वो तो एक्चुअली बहुत ना के बराबर चोट है, बिकॉज समबडी हैड एक्सीडेंटली पुल्ड माय हेयर पीछे से, किसी ने जोर से बाल खींच लिए थे, बिकॉज धक्का मुक्की हो रही है जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, और वो जो मेरी रिएक्शन था इट वाज नॉट फॉर देम, इट वाज नेचुरल रिएक्शन, इट वाज मोर लाइक माय हेयर, मुझे तो लगा सीन करते करते ये भी मारेंगे मुझे, मैं दूसरों को जरूर मार देती उस टाइम जिससे भी मेरे बाल खींचे थे, बट I mean, I know ये सब चीज़ें हुई हैं, but now when you see the trailer, I feel like whatever we have put in, हमने जितना अपने आप को झोंका है इस चीज़ के लिए, एक एक सीन देखकर ऐसे लग रहा है it's been all worth it. In fact, हम तीनों ने ट्रेलर एक साथ पहली बार देखा जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ था. We also saw it with you all. We had not seen it before. तो हमारा जो रिएक्शन था उस वक्त तो इतना नेचुरल था अबाउट ओ माय गॉड लाइक व्हाट हैज बिजॉय सर डन. मैंने तो सर को उछाल दिया था. हां, ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ टॉसिंग सर एक्साइटमेंट में, पूरा ऐसा उठा के उनको सर्कल्स में घुमाया था. यू नो, अभी तक जो काम किया है ना, ऐसे हम मैं अपने आप को बोलता हूं इट्स गुड. आई वर्क विद इम्तियाज अली सर, ये एआर रहमान सर, गुड. इट्स द फर्स्ट टाइम, मेरे को पहली बार ही लगा जब मैंने ये ट्रेलर देखा, गुड से आई फेल्ट प्राउड. Wow. This was a transition. The first time in my life, yeah, when I saw something about my work, I was like, no, that's something I'm proud of. Kya baat hai? I think also more than that, as he very rightly said, na, like, I think for all of us, and I'll speak for all, both of you as well, we have blindly trusted Bijoy sir's vision. So lots of times, if like I don't know what's going on over there, or I don't know how I am looking on screen, we've literally blindly just done what he's asked us to, because somewhere we have that trust, we have that faith in his credibility. And jab humne wo trailer dekha, to see it all come alive was very overwhelming, ki oh my god, this is way more than our expectation. Matlab humne jo socha tha usse 10 kya 100 guna zyada acha dikh raha hai. Even Harsh is critical when it comes to seeing himself on screen. Bijoy sir ke sath I had already worked in Tej, to mujhe pata tha ki I don't have to look at the monitor also, kyunki wo कुछ तो पुराने जन्म का है, या तो पता कुछ तो कनेक्शन है. सो आई वुड हैव लाइक टू से द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ बिजॉय सर ओनली. मॉनिटर हम बिजॉय को बोलेंगे प्लीज देखो ये. सो 2010 या 11 में मैं पैसे वैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, पहली फिल्म के मिले थे 2008 या 9 में, 8 में साइन करी थी मैंने तेलुगु फिल्म. वो पैसे जो भी छोटे से मिले थे वो खत्म हो गए. 7,000 रुपये मेरा रेंट था, एंड रेंट के पैसे भी नहीं बचे थे. 2010 या 11 की बात है, तो मैं लैपटॉप पे पड़ोसी के वाईफाई पे एक शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ, डायरेक्टेड बाय बिजॉय नाम्बियार. आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे है, 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, यू हैव टू लिसन टू दिस. उसमें जैकी श्रॉफ सर इज द लीड, ही इज लुकिंग एट अ टीवी स्क्रीन. भाई, ही इज लुकिंग एट अ गाय, और जो वो आदमी कर रहा है वो इनके साथ हो रहा है नेक्स्ट डे. सो ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ. ये बिजॉय सर की स्टोरी है, और वो टीवी देख रहे हैं, चैनल स्विच कर रहे हैं. और शॉर्ट फिल्म के एंड में एक शॉर्ट आता है जिसमें मैं हैं. भाई, ऐसे ही मेरा रिएक्शन था. आई डिड नॉट, मुझे लगा मुझे कुछ हो गया है, कि मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ. मैंने पॉज किया और मैं देख रहा हूँ, मैंने एक टीवी शो किया था, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ फुटेज, वाओ, इस आदमी ने, बिजॉय सर ने एक शॉट लिया है, वो मेरा शॉट. मुझे लगा ही न्यू, आई टोल्ड हिम वेरी लेट, एंड आई सॉ दैट बीबीएम वाला टाइम था, ब्लैकबेरी, और मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, हिंदी इंडस्ट्री में तो किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास. मैं तड़प रहा हूँ कि मैं कैसे किसी को बताऊँ ये बात, किस तक पहुँचाऊँ. मैंने पॉज करके रखा, मैं ही हूँ. और इट इज़ सो ईरी कि जैकी सर इज सीइंग द टीवी स्क्रीन जिसमें वो खुद को देख रहे हैं, और मैं ये सब एक लैपटॉप पे देख रहा हूँ, उस लैपटॉप पे एक टीवी स्क्रीन है जिसमें मैं हूँ. तो मेरे को समझ, मतलब इंसेप्शन हो गया था थोड़ा, ब्लैक गूज बम्स हो रहे हैं सुन के. सो देन आई फाउंड गूगल पे बिजॉय नाम्बियार ईमेल आईडी, एक कोई गंदा सा ईमेल आईडी मिला जो होगा भी नहीं, मतलब किसी काम का. मैंने मेल लिखा, मैंने सर आई एम अ बिग फैन ऑफ शैतान, एंड आई वुड आई जस्ट सॉ माई सेल्फ इन योर. कभी मेल का रिप्लाई नहीं आया, सालों निकल गए. कट टू ही कॉल्ड मी फॉर अ फिल्म कॉल्ड फितरत. वो फिल्म बनी नहीं, राइट्स का कुछ इशू हो गया था. तैश की शूट पे मैंने उनको कहा ये
and he then called you himself. हाँ खुद से. Oh, wow. तो मैं हिल गया था, मुझे लगा कि इनको याद आ गया है कि वो लड़के का शॉट, वो कुछ उनको याद नहीं था. हाँ, मैं देख रहा था. हाँ. तैश के सेट पे ढूंढ लिया. मैंने सर मैं आपके साथ पहले भी काम किया. Nice. तो मैंने कहा कि सर आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उसमें जैकी सर इज वॉचिंग द टीवी स्क्रीन, उसमें मैं हूँ. हाँ तो ये आपने सही बोला, पिछले जन्म का कुछ होगा. हाँ, कुछ है. हाँ. सो आई, और ऐसे मेरे साथ कई इंस्टेंसेस हुए हैं लाइफ में. तो मैंने ये टैटू कराया था कि सन ऑफ गॉड की. अच्छा. मेरे को हमेशा ऐसा लगता था ये मेरे साथ ऐसी अजीब अजीब चीजें कैसे हैं. मुझे भी यही लगा था. ऐसे गॉड सेंट मैन टू हिम. एक बार मैं ऐसे जब कुरियर बॉय था तो मैं हेलमेट डिलीवरी कर रहा था. हाँ. यामा से हायत रीजेंसी. द पर्सन आई हैपेंड टू डिलीवर इट टू वाज मिस्टर जॉन अब्राहम. एंड टू इयर्स अगो ही वाज द प्रोड्यूसर, आई वाज द एक्टर. तो मेरी लाइफ फुल सर्कल हो गई एज अ डिलीवरी बॉय से लेके मैं उनका एक्टर तक बना. तो मेरे साथ ऐसे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. आई फील की देयर इज सम काइंड ऑफ अ यू नो पावर हु इज रियली वॉचिंग आउट. एंड या तो विजॉय सर के साथ दिस फिल्म आई वॉज एब्सोल्यूटली आई हैड सरेंडर्ड एंड आई वॉज शेयरिंग इट विद एहान से. बहुत कम बातचीत हुई थी सेट पर. मैंने कहा था ये मुझे याद है, मैंने कहा था भाई दिस मैन विल मेक यू लुक योर बेस्ट एंड दिस विल बी योर बेस्ट. एंड मेरे साथ ये थोड़े ऐसा एक फीलिंग आई थी तैश के टाइम पे कि ये क्या हो रहा है. आई सॉ दैट ही नेवर सेड इट. आई सॉ दैट एंड आई सेड इट टू हिम कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो मत करना बिकॉज ये मैजिकल आदमी है और ये ऐसा ट्रेलर बनाएंगे और ऐसी फिल्म में आपको डालेंगे कि आप. सो यू नो बट आई विल गिव दिस क्रेडिट टू हर्ष क्योंकि हम लोगों ने जब इस फिल्म के लिए शूट किया है वी almost I think every day all of us have shot a little overtime. ठीक है. And kai bar it's normal human nature, we used to get restless ki oh my god itna shoot kar rahe hai kya ho raha hai. Our waiting time used to be a little longer. And then all of us would look at Harsh because he's already worked with him before. Harsh has been the most calmest person on set. Abhi bhi matlab usko dekho apne camper van ke upar baith ke tare gin raha hai. Matlab he used to just be calm in that free time. So I remember he used to tell us this ki यार आप जब देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाओगे. जस्ट हैव पेशेंस. एंड आई स्वेयर व्हेन आई सी द ट्रेलर एंड आई रिमेंबर दोस वर्ड्स ही हैड टोल्ड मी दैट जस्ट हैव पेशेंस, यू विल बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ. वेरी नाइस. और वैसे भी इंडस्ट्री के लिए भी कही जाता है ना यू हैव टू बी वेरी पेशेंट क्योंकि सालों साल बीत जाते हैं, कई बार आपको काम नहीं मिलता. और एक वो कहते हैं, कई बार लोग मुझे कहते हैं तुम देखना एक अपॉर्चुनिटी ना जिंदगी बदल दे. अरे भाई कहाँ है वो एक अपॉर्चुनिटी, वो तो बताओ. तो आप लोग मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हो? ऐसे हम लोग करते हैं ना सारे कि कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हैं. मे बी आप भी करते होंगे. हम तो एक्टर हैं, हम तो सपनों से भरे हुए हैं. ओफो. आई थिंक मोर देन मैनिफेस्टेशन इट्स पॉजिटिविटी. मैंने पिछले साल योगा स्कूल ज्वाइन किया था एंड वहाँ पर मैंने एक चीज सीखी थी विच इज बेसिकली एवरी टाइम यू हैव अ नेगेटिव थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड quickly just replace it with a positive thought. Usi ka ulta aap sochiye which is a positive thought. So that's something I do. I don't know if it falls under the category of manifestation. But agar aap khud positive sochenge to aapke sath bura nahi hoga. It's like don't give those vibes to the universe. And when we are in Bombay and we are working as actors, तो मुझे लगता है वो negativity के जो thoughts हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको positivity में बदलना पड़ता है. तो दो तीन चीज़ें हैं, negativity of course and दूसरा आप comparison में कभी मत घुसिए, कभी भी नहीं. ये तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि वो ये कर रहा है और वो ये कर रही है, उसमें आप दूर दूर मतलब उससे एकदम डिस्टेंस रहिए. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. दिस इज समथिंग आई रियली अबाइड बाय. रूमी ने लिखा है एक जो दिमाग है ना ये होटल की तरह होता है. इसमें ना हर दिन हर सुबह अच्छे गेस्ट आते हैं और बुरे गेस्ट आते हैं. सो दीज आर अच्छे गेस्ट आपके अच्छे ख्याल है और बैड गेस्ट आपके बुरे ख्याल है. लेकिन होटल उनको इग्नोर नहीं कर सकता. होटल एम्ब्रेसेस देम ऑल. सो माइंड इज लाइक दैट गेस्ट हाउस. इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम बाय रूमी, गेस्ट हाउस. सो ही इज लाइक वेलकम एंड एम्ब्रेस ऑल योर थॉट्स, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड. बाबा इहान. बाबा इहान की जय. No, but he very beautifully, very beautifully. भी जो उन्होंने बात बोली बहुत सिंपलिसिटी से बोल दी तो हमने उस पर वो गौर नहीं किया. उन्होंने कहा कि हम एक्टर हैं शुरू से ही. सपने, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी लाइक अ वेरी फैंसी एलिगेंट वर्ड. हम लोग बचपन से, हम लोग जब एक्टर बनना डिसाइड किया हम बचपन से भरे पड़े इस चीज से कि करेंगे होगा. इस फिल्म का टीजर शुरू होता है हम होंगे कामयाब. yes, अब देखा जाए तो वो मैनिफेस्टेशन है कि हम होंगे कामयाब एक दिन. तो वो आप मैनिफेस्ट करो लेकिन वो वर्ड्स जैसे
अपने योगी जो हमारे होते थे तो वो लोग एक बार खाना खाते थे तपस्या, अब हम उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो ये फैंसी वर्ड्स हैं, ये सब बैंड्रा के लोगों को ये इन लोगों के लिए काफी अच्छे, इनको मजा आता है ये सब वर्ड। बट हम लोग जो कहाँ कहाँ से आए हैं, हमारे अंदर ये सब भरा ही पड़ा है पहले से। और आई थिंक ये सब चीजें हैं, इट्स जस्ट दैट दीस टर्म्स आर स्टार्टेड सर्कुलेटिंग राइट नाउ। बहुत सही कह रहे हैं, ये सब टर्म्स अभी निकल के आए हैं। वैसे मुझे, मैंने ये यहाँ पे सुना भी है यहाँ पे आने के बाद में ना, कि यू ऑल आर फ्रॉम दिल्ली ना, अब तो आप लोग तो रहे ही हो, बट ऑब्वियसली यू आर बोर्न इन दिल्ली और आई थिंक दिस ऑल ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट कनेक्शन रहा है, वी ऑल हैड सम कनेक्शन विद दिल्ली। मैं ग्वालियर बैंड्रा वालों के लिए, आपने बिल्कुल सही बोला, बैंड्रा वालों के लिए और टाउन वालों के लिए अलग तरह के लोग होते हैं मालाड और अंधेरी वाले। अगर मैं मालाड से हूँ तो मतलब आप मुझे कैसे देखेंगी बताओ, वैसे मैं हूँ मालाड में रहती हूँ। मैं बिल्कुल दूसरी नज़र से नहीं देखूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे ही बदनाम है टू बी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक ये थोड़ी बचकानी पे होती है, वेयर यू काइंड ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल, कि तुम अंधेरी से हो, बैंड्रा से हो, एट द एंड ऑफ इट ऑल ऑफ अस आर वर्किंग हियर, वी आर ऑल फ्रॉम द सेम सिटी, सो दिस इज नॉट हाउ आई वुड सी इट। When you were all in your college, तो बहुत सारी obviously आपने relive किया होगा जब आप set पे होगे, लेकिन shooting and college days are totally different. Yeah. और जब हम लोग का college था, जब हम सबका ही college होगा of course, तो वो अलग time था, अभी काफ़ी time भी बदल गया है social media and all that. So जब आप लोग थे तो किस किस से inspired रहते थे Bollywood में, और तब actor बनना ही था, जैसे हर्ष ने भी बोला कि तब से ही actor बनना था। मुझे इतना याद है जब मैं school में पढ़ता था, so I was the only singer in the class. Oh wow, you're a singer Ihan? I used to sing, I mean, for class, like professionally. This was not something you should have said. Main bhi bahut besuri singer hu, ye to kyunki abhi aapko to zara padega. Main aapko batau, main us time pe Rehna Hai Tere Dil Mein aayi thi, aur mujhe na uska wo Sach Keh Raha Hai Deewana, Zara Zara, ye sab gaane na yaad the. Very nice. So it was one of my favorite films it was, and then aap surprisingly dekho iska bhi thoda वैसा ही energy है दंगे का। Yes, yes. मैं स्कूल में आई वाज द ओनली सिंगर इन द क्लास, तो जब भी कोई छुट्टी से पहले टाइम होता था, फ्री टाइम, तो टीचर बोलती थी एहान गेट अप एंड सिंग, तो मुझे अच्छा लगता था, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सिंग पीपल यूज्ड टू प्रेज मी, आई यूज्ड टू लव दैट। मैं ड्रॉ करता था, उसके बाद आई यूज्ड टू डांस विद माय कजंस, सो आई ऑलवेज फेल लाइक देयर इज माय सेंसिबिलिटी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग इन फिल्म्स। अभी भी आज की डेट में अगर आप मेरा मॉनिटर देखूंगा, मेरा यूट्यूब सर्च हिस्ट्री करोगे, प्यार किया तो डरना क्या, अच्छा दिल क्या करे, लाइक ये सारी फिल्मों के गाने मैं सुन रहा होता हूँ और मैं अपने बचपन को जी रहा होता हूँ उसमें, लाइक व्हेनेवर आई वांट टू हैव हैप्पी मोमेंट्स, आई मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज आई हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्डहुड एवर, आई हैड द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ। उसी टाइम पता था, बिकॉज मैं आपको फिल्म, हाँ फिल्म का आपने बोला, जब भी फिल्में आती थी ना, जैसे हेरा फेरी या कुछ भी, कोई भी आता था, मेरे को अच्छा लगता था वो डायलॉग बोलने फ्रेंड्स के सामने, और फिर वो सुनते थे, फिर वो दे ऑल्सो टू मर्ज विद दैट, फिर वो डायलॉग, अरे ये फिर ऐसे गोविंदा ने ऐसे बोला, ऐसे बोला, तो ये तब से ही था ये एक्टर बनने का। एंड देन फिर मेरे को पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, वो कहते हैं ना एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, लाइक दे वर जस्ट लाइक दैट, लिटरली लाइक आई कांट बी दिस। I went home, I told my parents, mujhse nahi hoga, and my father was like, are you mad? This is your secure future, in 4 years you're going to be engineer, then you're going to have this much salary, then you're going to have house like this. Aapne tamasha ka wo dialogue dekha hai, ghar banaya, fir beta aaya, usne bada ghar banaya, all that story, that's why it's my favorite monologue. But he said, what do you want to do? I said, I don't know, but I don't want to do this. Mereko us time pe pata bhi nahi tha mereko karna kya hai. ये नहीं कि मतलब बॉम्बे जाने, ये नहीं पता था, कन्फ्यूजन था, बट ये नहीं करना। एंड देन मेरे को फेसबुक पे मैसेजेस आते थे मुंबई से, लाइक वो कास्टिंग फॉर दिस, हाँ मुझे इशक ज़ादे के लिए आप में से किसी को आया था? नहीं, इशक ज़ादे के लिए मुझे फेसबुक पे, मैं तो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। घर से वो रिकॉर्ड किया था, कुछ भी होते थे घर वाले ऑडिशन, तब तो भी होते थे घर वाले ऑडिशन, एक्सेप्शन कश्मीर था। अरे वाह, मैं ऑडिशन के लिए मोमेंट बोल रहा था कि मेरा बेस्ट चाइल्डहुड रहा है, या बेस्ट मेरा सब चीजें रही है, तो ये भी बेस्ट ही था। नहीं, फिर उसके बाद ऐसे मैं बोल रहा था पिछले इंटरव्यू में, फिर एक डायरेक्टर, दे वांटेड मी, शरम तेरी कसम, मैं पहली चॉइस था उस फिल्म का, और ये तो दंगे हो गए।
फिर वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ इधर उधर हुआ है, हर्ष भाई ने कर ली और कितने अच्छे से कर ली, एंड कितना फैन क्लब है इनका सनम तेरी कसम, आप देखो दंगे के ट्रेलर पे भी सनम तेरी कसम के कमेंट्स होते हैं. And people wanted to see him like this. And even अगर मैं आपके roles की बात करती हूँ, different हमने देखा है कि बहुत versatility के साथ, मुझे लगता है आप काफी choosy हो अपने roles को लेके, नहीं? From Sanam Teri Kasam to even I like you in that Haseen Dilruba also, that adventurer, adventurous kind of a lover you have played. And in this Dangi, एकदम different. तो कैसे choose करते हो अपने roles? मेरा हो गया है अभी पूरा promotional interview में best moment मिल गया मुझे. Thank you so much. Because मेरा best moment है, आपने best बोल दिया. Because as an actor, शुरुआत में इतनी बार सुना कि you know you are limited और ये सब तो उसको गलत प्रूव करने के चक्कर में ना बहुत ही carefully चीज़ें चूज करी और काम भी करते रहे अपने ऊपर क्राफ्ट के ऊपर कि ऐसा ना हो जो ये लोग कह रहे हैं. एंड उस कोशिश में थैंकफुली ये थोड़े थोड़े अलग अलग चीज़ें करने को मिली. सो अगर सच में आपको ऐसा लगा तो आई एम सो हैप्पी. अगर आप प्यार से बोल रहे हो तो बट थैंक यू सो मच. बट दिस इज़ ऑल विजय सर का कमाल ये भी है कि एक डायरेक्टर जब दो बार एक एक्टर के साथ काम करता है तो चांसेस हैं कि सेम दिखे, बट वो भी नहीं हुआ एक भी जगह की. हाँ, एक भी जगह ये नहीं हुआ, मैंने पढ़ा नहीं कि ये तो तैश की तरह ही लग रहा है. वो बड़ी उनकी जीत है विजय सर की कि एक ही एक्टर से उन्होंने दो अलग एकदम स्टार्क डिफरेंस. या तो द क्रेडिट गोज टू हिम. निकी, इफ आई टॉक टू यू, लाइक यू पार्टिसिपेटेड इन मिस इंडिया इन 2012 है ना, तब तो सारी लड़कियां मुझे लगता है तब क्या अभी भी मिस इंडिया में तो मैं तो पार्टिसिपेट करना ही चाहती हूँ. उस वक्त सोच रखा था कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है. एंड इवन हम लोग इंस्पायर भी होते हैं ना, इवन माधुरी दीक्षित से, जूही चावला से, अपने टाइम की जो एक्ट्रेसेस रही हैं. तो आप भी इंस्पायर्ड रहते थे? जी ऑनेस्टली एक्टर बनने का ख्याल तो नहीं था, बट बचपन से आई थिंक देयर वाज अ वेरी सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ मी व्हिच वाज इंक्लाइन टू डूइंग दिस थिंग, डूइंग ऑल ऑफ दिस. क्योंकि क्या होता है, जैसे कभी कभी गेस्ट आते हैं, यू नो, एक वो रहता था कि अरे निकू डांस बहुत अच्छा करती है, डांस करो. ऐसा होता है. तो आई स्टिल रिमेम्बर एक राधा कैसे ना जले, कुछ दो तीन गाने थे मेरे, डोली तारो और निमुड़ा, जब हम दिल दे चुके सर, हम फ्रेश फ्रेश आई थी. आई यूज टू लिटरली डांस ऑन दिस एंड आई वुड लव डूइंग इट. तो एंड इवन इन लाइक स्कूल आई रिमेम्बर कोई भी फंक्शन होता था, एनुअल डे या रिपब्लिक डे और समथिंग, तो स्टेज पे जो डांसिंग वाली कम्युनिटी होती है, आई यूज टू ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो इवन दो इट वॉज नेवर फॉर्मली आउट देयर इन द यूनिवर्स कि हाँ बड़े होकर एक्टर बनना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडेमिकली सिंसियर फैमिली. सो फॉर मी दिस स्विच वॉज नेवर प्लान्ड, नेवर. मिस इंडिया जस्ट हैपेंड, रास्ते में आया, किया. उसके बाद बहुत स्मूथली ये स्विच हुआ, जहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कैमरा के सामने अच्छा लगता है, पसंद है. इनफैक्ट जब मैं मिस इंडिया में गई थी तब भी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज स्टिल इन कॉलेज दैट टाइम एंड स्टडिंग, मैं आके आई वॉज थिंकिंग कि अभी कहाँ पर प्लेसमेंट्स होंगी, वेयर विल आई सिट, आई स्टिल हैड टू गिव एग्जाम्स दैट टाइम. तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था, इट जस्ट हैपेंड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स दैट इट काइंड ऑफ अलाइन. जो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी, दिस इज आई थिंक अनस्पोकन अनसेड सटल मैनिफेस्टेशन, बट देन फैमिली सपोर्टेड 100%. या आई थिंक नॉट, इनफैक्ट आई कीप सेइंग माय स्ट्रेंथ टू लास्ट दिस लॉन्ग, माय स्ट्रेंथ फॉर माय सेल्फ बिलीव पेशेंस ऑल कम्स बिकॉज आई हैड immense amount of family support. Now talking about, it's a tale of beautiful tale of friendship, love, yes, revenge and rivalry. How do you see modern day friendship or love, if I talk about today's generation? That will have better take. I'm deprived of love. No, I feel aap log ke liye kya definition bana do aaj ki generation. I think aaj ki generation, I don't know about today's generation, how they see love and not just today's generation, yeah, people even of our age, sabke apne alag alag ki funde hote hain love ko lekar, and that's the beauty of it. Love is a very personal thing, how you see love. I have realized in all these years of my existence, love is something which you give very wholeheartedly and don't expect anything back, and agar aapko wo milta hai then you are blessed. बिकॉज टुडे ऑल्सो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेरे पास हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा है, वे टू मच लव फ्रॉम माई फैमिली, दिस इज आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. सो सिमिलरली विद आउटसाइडर्स ऑल्सो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, समबडी से योर पार्टनर, दिस इज समथिंग यू हैव टू जस्ट नॉट एक्सपेक्ट एंड जस्ट गिव योर सेल्फ आउट देयर. एंड कई बार होता है यू आर फूल्ड इन लव, एंड आई एम सीइंग दिस इवन इन फ्रेंडशिप्स, यू आर फूल्ड, यू आर स्टैब्ड बिहाइंड योर बैक,
बट पर्सनली आई बिलीव दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लविंग एंड पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर यू स्टिल गो बैक एंड यू स्टिल गिव द सेम अमाउंट ऑफ लव टू पीपल इन जनरल मतलब यू डोंट हैव टू बी चूजी व्हाइल नॉट चूजी चूजी तो आप ऑफकोर्स रहिए फिर तो आप मुंह के बल गिरते रहेंगे वो तो स्टूपिडिटी हो जाएगी बट आई एम जस्ट सेइंग आप लोगों को एक्सेप्ट करिए उस तरह से एंड व्हाट अबाउट रिवेंज हाउ रिवेंजफुल आर यू वैसे मैं तो बहुत हूँ बदला लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत दंगे किए अपने टाइम में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे ना सही लगता था मुझे कॉलेज में मुझे वाइब आ रही है यहाँ से वो भी ऑफ द कैमरा अभी आप बताओ रिवेंज तो नहीं I always believe in life. लग भी नहीं रहा देख के मतलब इतना ऐसा नजर ना हो बीबा मुंडा है ना बीबा यस रिवेंज कितना है आपने रिवेंज मतलब दोनों ही ऐसे नहीं मुझे लगता है कि अपने आप के लिए कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे होते कुछ तो प्रूव करने वाली बात होती अपने आप के लिए अपनी क्रेविंग के लिए कर रहे हैं घर से भागे थे रिवेंज लेने के लिए नहीं भागा था मैं भागा था क्योंकि मुझे बातों से समझाना नहीं आ रहा था लोगों को जो मुझसे बड़े थे कि मैं ये करना चाहता हूँ मेरे पास वो लैंग्वेज की स्किल नहीं थी और कम्युनिकेशन का पावर नहीं था तो मुझे लगा एक्शन ले लेता हूँ बाद में शायद समझ जाएंगे तो बट इट्स सो हैपेंड दैट आई लॉस्ट माय फादर इन 2009 एंड वो मेरी फिल्में वगैरह नहीं देख पाए बट एंड माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड सो मॉम से भी टच में नहीं रहा लेकिन आई पर्सनली फील रिवेंज की फीलिंग तब आती है जब आप दूसरों को पर्सपेक्टिव में रख के कुछ करते हो वो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एवरीथिंग For when I feel good, so I feel very jealous and not jealous, envious rather. When Ehan says कि मेरा बचपन के दिन सबसे best थे, मेरा opposite था. मुझे आप पूछोगे, which is the best moment? I would say last whole week. क्योंकि मैं colleges में pamphlet बांट रहा था, तो मेरे को but I'm very lucky कि बचपन मेरा इतना फाड़ू नहीं था कि मुझे आज का दिन कम लग रहा है. मुझे मेरे साथ उल्टा हो गया. तो मैं अब इतना लकी फील करता हूँ मेरे पास जो जो मुझे चाहिए मुझे सुकून चाहिए वो मेरे पास है गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए वो मेरे पास है सफ़ेद साफ चादरें मुझे पसंद थी बचपन से वो मेरे पास है एक शाइनी सिल्वर कलर की बाइक चाहिए थी मुझे जिसमें बड़ा सा इंजन हो वो है एक कैंपर वैन चाहिए था जिसमें ऊपर से मैं निकल के देख सकूँ आसपास वो है सो आई फील दिस इज़ द टाइम दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट टाइम एंड तो रिवेंज वाला कभी फीलिंग कभी आई नहीं So glad listening to you all this. Even अगर मैंने starting में angry young man से start किया था, तो कौन ऐसा angry young man है अभी इस वक्त Bollywood में जो आपको बहुत पसंद है? जया बच्चन. She's not a man yeah. हर बोले wrong. But I just मतलब gutsy woman. वैसी gutsy हाँ. Gutsy woman. वो वाली quality. वो वाली. Absolutely. अब ये तो हुआ, लेकिन ये कुछ 90s की chits हैं movies हैं इसमें. So I am sure you all are good at dumpster arts, no? Okay. है ना? Wow. So, nice. College वाली है सारी. ये मैं hint दे देती हूँ. थोड़ा सा चप्पल भी करते थे. बोल थोड़ा छोटा मिला. आपके बड़ा मांग बहुत प्यारे हैं. क्या? नाखून बहुत प्यारे हैं आपके. Extension है. Thank you. कोई बात नहीं. नाखून प्यारे, cheeks प्यारे, आँखें प्यारी. मैं आपके घर चल लेती हूँ. चलो चलो. आप मुझे सामने बिठा लेना. Thank you. So sweet. ठीक है तो आपको पाली लिए रन करवाएंगे. 6 किलोमीटर. सुबह सुबह भागना पड़ेगा. तैयार हो आप? एक एक करके. अच्छा ओके. I've not seen mine. अच्छा आपको pick up हाँ ओके. Can you open? You can open my own. बाकी सब नहीं करेंगे. ओके. हाँ वो बाद में करेंगे. ओके. अच्छा हिंदी इज दिस? जाओ जा कबूतर जा सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट वर्ड मुझे तो पता है कौन सी मूवी है नहीं नो जा नहीं जाने अरे वाह जाने तू या जाने क्या बात है वाह वाह वेरी नाइस एक बार नेक्स्ट आपके पास है ना ऑलरेडी ये इसमें नहीं रख सकते इसको नीचे ही रख देते हैं हां चल रही हिंदी थ्री वर्ड्स फर्स्ट वर्ड थर्ड वर्ड बसंती रंग दे बसंती या
खुश अच्छा अचीवमेंट अचीव थर्ड वर्ड हाँ पा लिया अवार्ड अवार्ड जीता यार ही इज डूइंग सो वेल जो जीता वो, नहीं वो तो थर्ड वर्ड नहीं हुआ फिर जीत जीत या जीता जीतेगा नहीं दिखाना नहीं है वो दिखाना नहीं है नहीं देख रहा है वो दिख जाएगा रेड पेन सेकंड वर्ड जीता भाई सिकंदर यार जीता बोल भी दिया था उन्होंने तब भी जो जीता भाई सिकंदर टू राउंड्स वी डोंट हैव वन राउंड एंड वन इज द स्पेशल जो आप लोगों को करना है कौन करेगा स्पेशल परफॉर्म पहले वो लास्ट में लेंगे ठीक है निकिता हां मुश्किल वाला रखा है आपने नहीं मुश्किल नहीं बहुत फनी सा है ये मुश्किल तो कुछ नहीं सिंगिंग सिंगिंग कौन सा गाना कौन सा गाना गाते हैं भाई अभी बोला था ना इन्होंने कौन सा बोला था जो बोले थे कौन सा गाना गाता इस लड़ी उसे सिंग इट सच कह रहा है सच कह रहा है आर एस स्टेडियम आर एस स्टेडियम क्या बात है जब वो बोले थे मैंने कहा यार ये तो मैंने फिल्म भी रखी गुड लिसनिंग नेक्स्ट तो डोलना भी गा रहा था शुगर करो वो नहीं आ रहा यार इफ यू डोंट नो द सॉन्ग्स यू यूज्ड टू सिंग दैट्स जस्ट सैड बहुत सिंपल दिया ना मैंने कितने खेल जैसा हो गया सब कुछ अरे यार ये कैसे बताऊं तो सेकंड के बच्चे भी कर लेंगे किक किक लेग मुक्काबाज नहीं अनुराग कश्यप फाइटर मूवीज नहीं ऐसे कराटे किड नो कलरी पॉइंट टू मेड इन चाइना अरे नो वन वर्ड यार वन वर्ड नहीं बोल रही हाउ इज दिस इजी मार जीत नहीं व्हाट इज हिटिंग ये कराटे कर रहा कौन सी फिल्म दी है या इज इट द राइट फिल्म ऐसे कौन मारता है यार टाइगर श्रॉफ रैम्बो क्या रैम्बो नहीं रैम्बो उसकी टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ बागी 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 वाह ये पोस्टर है बागी वैसे मैंने बागी सलमान खान वाली दी थी ओ कौन सी बागी टाइगर श्रॉफ अच्छा मुझे लगता है दूसरी गलती ये आपका है क्या मेरे को नहीं मिला अरे हां मेरा बोल कैसे सकते हैं बोलना थोड़ी है मुझे नहीं आता वो मुझे लेकिन अच्छा किया वेरी नाइस या हिंदी थ्री वर्ड्स पक्का ना भाई फर्स्ट सेकंड देख लो देख एक बार देख हिंदी थ्री वर्ड्स मी व्हिच वर्ड इज दिस व्हिच वर्ड मैं राइटर लिखता हूं मैं एहान एहान एक सेकंड हाँ बोल रही हो अगर हमने बोला है तो हार्ट दिल ना दिल प्यार लव रख जा हग 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 ही होता है यार कुछ बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड क्या आजा, है ऐसे नहीं हो रहा इनसे शर्म तेरी का सब मैं कौन हूँ तेरा नाम क्या है हर्ष हर्ष जान तेरे नाम सबसे बोल रहा हूँ जान 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 नहीं नहीं आ आ बैठ थोड़ी सी चीटिंग की ऐसे आदत है गेम्स में बहुत फनी है बहुत फनी है आई होप आप सबको पता होगा मुझे पता था सबसे पहले यही करेंगे डेड मर गया लटक गया मरा हुआ लटक गया लटक लटक ओह गॉड हाँ फोर्थ वर्ड इज लटक ओके गॉट इट
फिफ्थ वर्ड लटक मर लटक के बाद क्या तेरी बातों में लटक गया तेरी बातों में उलझा जिया लाश लटक लाश लटक ये क्या हो रहा है व्हाट मूवी इज ओके ओके वेट 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 माय थर्ड हां दिस इज द फिफ्थ वर्ड लाश फोर्थ और फिफ्थ हो गए ठीक है अब नाउ कौन सी मूवी है सेकंड वर्ड पानी एरोप्लेन ब्रिज नहीं 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 ब्रिज लटक लाश ठीक है दैट इज द सेकंड वर्ड ओके ओके नाउ सबको हंसी आ रही है थर्ड वर्ड तीन मिल गए आप लोग तीन मिल गए ये सेकंड था अगर पहला करने के बाद नो इट इज समथिंग ब्रिज समथिंग लटक लाश वेरी टैलेंटेड वेट समथिंग ब्रिज समथिंग लटक लाश थर्ड वर्ड लटक लाश थर्ड वर्ड गाइस थर्ड वर्ड मैं क्या था थर्ड वर्ड नहीं पैसा पे ओके ठीक है ब्रिज पे लटक लाश समथिंग ब्रिज पे लटक लाश ओके ठीक है फर्स्ट वर्ड कौन हु व्हाट वेयर हाउ हावड़ा पूरा बता मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म है मेरी जान निकल गई हमें कैसे पता होगा आप पंजाब केसरी से आ रहे हो हमें कैसे पता होगा पंजाब केसरी से लटकी लाश हावड़ा ब्रिज पे लटकी लाश पे यूनिट पे बाबू पे आपका गाना सुने बिना मैं नहीं जाऊंगी लवली गॉट योरसेल्फ इन दिस मुझे नहीं पता सच कह रहा है दीवाना दिल ना किसी से लगाना झूठे है प्यार के वादे सारे झूठी है प्यार की कसमें मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा उसी ने यारो मेरा दिल थोड़ा थोड़ा तन्हा तन्हा छोड़ा You're good, Ian. Why don't I know this? दो साल हो गए I don't know this. मुझे तो पूरा इंट्रोडक्शन हो रहा है खान का इन दिस प्रमोशन आई एम सो हैप्पी वाओ भाई मैं अपने आप से मिल रहा हूं वेरी नाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम अच्छी बात है गुड स्टफ हिडन टैलेंट जो पहले वाले गुड स्टफ जॉय सर को बताते आपसे गाना गवा देते फिल्म में नेक्स्ट फिल्म में गाना जरूर एंड आई लव द वे हाउ ही टुक इट जैसे मैंने बोला गाना फटाफट गाया वो प्रिपेयर नहीं मैंने सोचा फिर वो एक्टर्स करते हैं दोनों अरे गाना गाते हैं शुरू में एक डिस्क्लेमर देते हैं हमारे एक्टिंग कोच हमें बताते थे कुछ भी परफॉर्म करने जा रहे हो डोंट गिव डिस्क्लेमर्स कि गाइस मैं नर्वस हूँ या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ वो कहते हैं अनाउंस कर दो कि आई एम नर्वस बट ये सब मत बताओ कि मैं कल मैं कर नहीं पाया या मुझे ये कम्प्लीट नहीं है अभी तक वेरी नाइस ग्रेट हैबिट Thank you so much. Thank you. So lovely and warm. Thank you. Thanks to you. And thank you so much all of you for watching us in Punjab Kesari Navode Times. 1 March ko dange aa rahi hai. Ab aap log decide kar lena aapko kaun si side choose karni hai. I'm sure. Aap dono hi side choose karoge. Tamil wali bhi Hindi wali bhi. Ye bol rahi hu yaar. Aur dono hot ladke bhi hain. Of course. So thank you once again. See you next time. Bye bye and take care. Thank you.